Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Vishakha. I hope you all are doing great. So, ये वीडियो आज मैं शूट करने वाली हूँ. This is a get unready video with me. और ये वाला अगर मेकअप लुक आपने नहीं देखा है अभी तक नए चैनल पे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं. ये स्मोकी आई मेकअप लुक है जिसमें मैंने पूना स्टोर के ब्रशेस का रिव्यू किया था. फुल फेस मेकअप मैंने पूना स्टोर के ब्रशेस से किया था. अगर आपने अब तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें. मुझे ये मेकअप रिमूव करना था तो सोचा आप लोगों के साथ क्यों ना ये मेकअप रिमूव किया जाए और क्या मैं यूज़ करती हूँ और किस तरीके से मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ. तो ये फर्स्ट अनरेडी वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं अपना मेकअप रिमूव करना, क्योंकि ना अच्छे से हम मेकअप करते हैं उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से अपना मेकअप रिमूव करें ताकि हमारी स्किन भी हार्म ना हो और हमारा मेकअप भी रिमूव हो जाए अच्छे से. अभी मैंने रिसेंटली में पर्पल हॉल शेयर किया तो उसमें मैंने ये शेयर किया था माइसलर वाटर, तो इसी का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी और इसी से मैं अपना मेकअप जो है ये रिमूव करूंगी. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और रिमूव करते हैं अपना मेकअप. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले मैं अपनी लैशेस को रिमूव करूंगी. बहुत ही केयरफुली हमें अपनी लैशेस को रिमूव करना चाहिए. इयररिंग्स, तो यहाँ पर मैं ये कॉटन पैड लूँगी और इस पर अच्छे से अपना माइसलर वाटर लगा के अपने मेकअप को रिमूव करेंगे. ये जो माइसलर वाटर है इसमें टेंडर कोकोनट की गुडनेस है, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं. तो ये एक तो हमारी स्किन को स्मूथ करता है और हमारे स्किन को बूस्ट करता है हाइड्रेशन के लिए और क्लीन करता है हमारे स्किन को और रिफ्रेश करता है. ये एक ही स्वाइप में अपना हमारा जो पूरा मेकअप है वो रिमूव हो जाता है. मुझे अच्छा नहीं लगता कि अपने मेकअप को इस तरह से रगड़ कर उतारें. अच्छे से सिर्फ अपने फेस पे अपनी आईज पे हम डैप डैप करके और फिर एकदम से वन स्वाइप में हमारा मेकअप जो है वो अच्छे से रिमूव हो जाता है. आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही ईजिली मेरा मेकअप जो है वो रिमूव हो चुका है. तो अब मैं यहाँ पर अपनी लिपस्टिक रिमूव कर रही हूँ और देखिए. और उसके बाद मैं यहाँ पर एक साफ कॉटन पैड लेके उससे अपना पूरा फेस जो है वो दोबारा से एक बार फिर से क्लीन करूँगी ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा होगा वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ आप देख सकते हैं. तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना फेस जो है अच्छे से वॉश कर लिया है. अब हम थोड़ा सा यहाँ पे स्किन केयर करेंगे. तो यहाँ पर मैं ये टी ट्री का गुड वाइब्स टी ट्री टोनर अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर. इसको अच्छे से एयर ड्राई होने देंगे हम. तो एयर ड्राई होने के बाद अब मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी गुड वाइब्स की विटामिन सी की ग्लोइंग जेल क्रीम है. ये जेल क्रीम है, ग्लोइंग जेल क्रीम. तो इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो उसकी जो फ्रेगनेंस है जैसे कि विटामिन सी रेंज में है तो इसकी फ्रेगनेंस में ऑरेंजी फ्रेगनेंस थी. मतलब बहुत ही फ्रूटी फ्रेगनेंस थी. बहुत ही काफ़ी अच्छी लग रही थी फ्रेगनेंस भी. और इस तरह से मैं अपने फेस पर ये अप्लाई करूँगी तो एक तो ये हमारे स्किन को ग्लो करेगा जैसे कि ग्लोइंग जेल क्रीम है. और जेल क्रीम है तो समर्स के लिए जेल बेस्ड क्रीम तो काफ़ी अच्छी होती हैं. अब यहाँ पर मैं अपना अप्लाई करूँगी लिप बाम. ये लिप स्लीपिंग मास्क है तो मैं इसको एज अ लिप बाम अप्लाई करूँगी.